हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आईजी वसीम चैनल में। कि आज की इस वीडियो में इन्फिनिक्स हॉट 11 एस में न्यू अपडेट आ चुका है एंड फ्री फायर मैक्स का भी न्यू अपडेट आ चुका है, तो दोनों को अपडेट करेंगे एंड फिर गाइस यहां पे देखेंगे एक्सोएस लॉन्चर का बेसिकली अपडेट आया, तो इसको अपडेट करते हैं एंड देखते हैं कि गाइस जो टच इशू फील होता था स्वाइप अप करने पर वो फेस हो रहा है अभी या नहीं, तो सारी जानकारी गाइस आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। यहाँ पर गाइस हमने अपडेट कर दिया एंड यहाँ पर अभी भी देख सकते हैं कि टच इशू देखने को मिलता है, मतलब कभी वर्क करता है कभी नहीं वर्क करता है एज यू कैन, तो ये इशू अभी भी इसमें देखने को मिल जाता है और पता नहीं ये कभी फिक्स भी करेंगे या नहीं। एंड गाइस यहाँ पे फ्री फायर मैक्स को भी हमने सिंपली अपडेट कर दिया है। एंड गाइस यहाँ पे आप सिंपली चलते हैं सेटिंग्स में, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपली हम मैक्स कर देते हैं फ्री फायर को एंड ये हमारा हो गया 60 FPS, शैडो को ऑन कर दिए हैं गाइस। तो प्ले करते हैं एंड फिर गाइस आपको दिखाते हैं। वैसे टाइम देख सकते हैं 7:30 हो रहा है एंड बैटरी परसेंटेज 78 पे है, तो बैटरी ड्रेन भी आपको दिखाएंगे कैसा परफॉर्मेंस देता है ये भी आपको बताने वाले हैं। तो दोस्त देखिए वीडियो को एंड तक। वैसे गाइस हमने कल ही अपना रूम टूर का वीडियो अपलोड किया है, कैसे हम वीडियो बनाते हैं कैसे शूट करते हैं, तो सारी जानकारी गाइस उस वीडियो में हमने दिया है, तो ये वीडियो जाके जरूर से चेकआउट कीजिएगा, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा एंड मुझे भी काफ़ी सही लगेगी, मतलब आप लोगों को इंटरेस्ट है मेरे बारे में जानने में। ओके तो दोस्त जाके आप जरूर से वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। बाई गाइस देखते हैं इस फोन के बारे में। राइट गाइस, तो यहाँ पे सिंपली गेम को लगाते हैं क्लास स्क्वाड रैंक एंड यहाँ से गेम को हम करते हैं प्ले। एंड गाइस यहाँ पे मतलब परफॉर्मेंस की बात कर लें तो आफ्टर अपडेट यानी कि ये एक्सोएस लॉन्चर का अपडेट नहीं, जो मेन अपडेट आया था 444 MB का, मतलब 444 MB का, तो उसके बाद से यहाँ पे 3-4 इशूज मुझे फेस हो रहे हैं एंड ये इशूज काफ़ी बड़े हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ, जो स्पीकर है इसकी जो साउंड लाउडनेस होती है वो डिक्रीज़ हो गई है आफ्टर अपडेट। तो यहाँ पे जो डुअल स्पीकर दिए हुए हैं लेकिन गाइस यहाँ पे सिंगल स्पीकर से भी कम साउंड प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे मतलब अपडेट के बाद ये एक सबसे बड़ी इशू मुझे लगी। दूसरी इशू गाइस यहाँ पे बैटरी ड्रेन का देखने को मिला। अभी गाइस हम आपको प्ले करके एंड में तो बताएंगे कितना बैटरी ड्रेन होता है, तो आपको पता चल जाएगा। मतलब पहले गाइस 1 घंटे में ऑलमोस्ट, मतलब 10 मिनट में बेसिकली मैंने टेस्ट कर रहा था, तो 3% डिक्रीज होते थे, लेकिन उस दिन अपडेट के बाद में जब मैंने टेस्ट किया तो वहाँ पे 10 मिनट में 5% डिक्रीज हुआ। तो मतलब आफ्टर अपडेट ये एक इशू देखने को मिल जाता है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे एक और इशू देखने को मिल जाती है, वो है गाइस हीटिंग का इशू। यहाँ पे मतलब पहले वैसे मैंने टेम्परेचर इसका टेस्ट भी किया था और जल्दी इन्फिनिक्स नोट 12 के साथ भी कंपैरिजन आएगा, नोट 12 को भी हमने बुक कर दिया है, तो सारी वीडियोस आपको एक एक करके कंपैरिजन वाला देखने को मिल जाएंगी, तो वहाँ पे भी कंपेयर करके बेसिकली आपको टेम्परेचर दिखाएंगे। लेकिन अभी गाइस मैं बता दूँ कि ऑलरेडी मैंने टेस्ट भी कर लिया है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, पोको M4 Pro वगैरह से हमने कंपैरिजन किया है, तो आप चैनल पर विजिट करके वीडियोज में जाकर देख सकते हैं सिंपली। तो वहाँ पे गाइस मैंने नोटिस किया जो पहले हीटिंग इशू मतलब हीटिंग डिग्री में जाता था तो काफ़ी कम रहता था, लेकिन आफ्टर अपडेट मुझे थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला है एंड हाथ में गर्म भी फील हो रहा है। तो ये 3-4 इश्यूज कुछ ऐसे देखने को मिल जाते हैं एंड अभी तक मतलब ये लोग अपडेट से कुछ भी फिक्स नहीं किए हैं, लाइक फुल डिस्प्ले में फ्री फायर मैक्स को प्ले नहीं कर सकते या फ्री फायर को गाइस, तो आफ्टर अपडेट ये 444 MB का पता नहीं क्या लाए थे, बस यही बग लाए थे शायद से, तो यहाँ पे अभी तक कुछ भी फिक्स नहीं किए हैं। बाकी दोस्त देखिए वीडियो को एंड तक, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको एंड में बताता हूँ कितना बैटरी रन हुआ एंड कैसा परफॉर्मेंस देता है एंड हीटिंग कैसा रहता है। First blood.
Triple kill. First double kill. First blood. Double kill. Triple kill. Thanks. Double kill. Triple kill. First blood. First blood. Double kill. First blood. सो फाइनली गाइस यहाँ पे हमारे आधे घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। मैं यहाँ पे टाइम दिखा दूँ तो 8:06 हो रहा है। हमने 7:30 से स्टार्ट किया था, 36 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पे 62 पे आ चुका है, यानी कि 16% डिक्रीज हुआ है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बैटरी रन हुआ, मतलब इतना में तो एक घंटा पहले प्ले हो जाता था ऑलमोस्ट। यहाँ पे हीटिंग की बात कर ले तो हीट भी होता है पहले से ज़्यादा कैमरा के पास से गाइस। तो यहाँ पे मतलब इस फ़ोन को अब मैं रिकमेंड बिल्कुल ही नहीं कर सकता, आई थिंक आपको ये बाय नहीं करना चाहिए दोस्त। तो दोस्त फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।